सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो विवाद होते रहते हैं उनमें काफी सुधार करेगी और हम लोग काफी देखेगी। जैसे शुक्लागंज का पुराना पुल इतने टाइम जो मेन मुद्दा चल रहा है, दो नाम के तो पर्ची निकल आई है, बोर्ड भी पड़ गए हैं, ये एक ना दो नाम के पर्ची नहीं निकल रही है। यहाँ का तो मेन मुद्दा एक पुराना पुल गंगा पुल का है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उन्नाव में भी आज मतदान हो रहा है। उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ पर 23 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मतदान केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। अलग अलग जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ के अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर साक्षी महाराज यहाँ पर सांसद रहे, तीसरी बार वो फिर से चुनावी मैदान में है। अन्नू टंडन उनके सामने गठबंधन की प्रत्याशी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। पहले वो कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस से सांसद भी रही। आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पर रुझान चल रहा है। आप यहाँ मतदान करने आए किन मुद्दों के साथ? किन मुद्दों? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जिस तरह से बढ़ा है, तो क्या लगता है कि लोगों का यहाँ पर जो है रुझान बढ़ रहा है क्या? देखिए, अगर वोटिंग सबकी एक साथ होने लगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बड़े दायरे में आता है और सभी चुनाव हो तो सभी लोगों को फिर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एक युवा है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपने वोट डाला है जी? क्या पहली बार वोट डाला है आपने? क्या क्या लग रहा है? जी यही लग रहा है कि जो डिजर्विंग है उसी को मैंने वोट दिया है और आगे चल के जो भी पार्टी आएगी वो काफी मतलब सुधार करेगी। जो इतने टाइम चल रहा है सब विवाद होते रहते हैं उनमें काफी सुधार करेगी और हम लोग का भी देखेगी। आने वाली जो सरकार हो कैसी हो और आने वाला आपका जो सांसद हो कैसा? ये आने वाला सांसद वैसा हो जैसे कि हम जैसे शुक्लागंज का पुराना पुल इतने टाइम जो मेन मुद्दा चल रहा है, जो काफी दिनों से बंद चल रहा है, इसके कारण काफी हम लोग को कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग कॉलेज से वापस आते हैं तो काफी जाम मिलता है, हम लोग को एम्बुलेंस फंस जाती है। तो अगर वो वाला पुल खुल जाएगा तो काफी मतलब जो जितनी भीड़ भाड़ होती है थोड़ा उसमें रिलैक्स मिलेगा हम लोग को। और यही चाहते हैं कि जो भी आए साक्षी महाराज जी, अन्नू टंडन मैम, जो भी आए वो बस कल्याण करे, अच्छा से काम करे। साक्षी महाराज जी की आपने बात की, आपने उनके बारे में सुना होगा, काफी विवादित बयान देते हैं, आपको कैसे लगते हैं? जी मैं ज्यादा इन सब में मन वैसे लगाता नहीं हूँ, मेरा पहली बार वोट था तो बस इतना मैं जानता हूँ कि साक्षी महाराज जी बीजेपी से, अन्नू टंडन जी सपा से, बाकी अब देखिए बाकी तो ये सब जन के ऊपर है जिन्होंने ज्यादा वोट दिए होंगे साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज जीतेंगे वरना फिर अन्नू टंडन मैम आएंगे। इतने लोगों से भी बात कर लेते हैं, और लोग मौजूद हैं, क्या बैठ सकती है? क्या आपको क्या दिक्कत? ये चार नाम है हमारे परिवार के, दो नाम के तो पर्ची निकल आई है, वोट भी पड़ गए हैं, ये एक ना दो नाम के पर्ची नहीं निकल रही है। तो आपने पता किया क्या दिक्कत हो रही, वोट नहीं पड़ पाए? हाँ तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं ये उस समय की है, ये दो नाम बच्चों के नए है ना, ये कह रहे हैं उस समय के हैं जब नगर निगम का चुनाव हुआ था। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सही जवाब देने वाले के पास हम पहुँच ही नहीं पा रहे कि हमको ये मिल जाए। देखिए यहाँ पर दुश्वारियां भी हैं वोटिंग लिस्ट को लेकर, यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, आपसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से साक्षी महाराज जी को लेकर के जिस तरह से बात होती रही कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, साक्षी महाराज यहाँ पर सांसद रहे, क्या लगता है उन्होंने काम किया है? काम तो सभी सांसद करते हैं, जनता की अपेक्षाओं पे 100% कोई खरा नहीं उतरता है और काम हो ही रहे हैं, साक्षी महाराज हो या अन्य भी हो, और जो कमियां रह जाती हैं आगे आने वाले सांसद उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं और जैसा कि अभी पहले किसी बच्चे ने बताया है कि यहाँ का तो मेन मुद्दा एक पुराना पुल गंगा पुल का है, अगर वो नया पूरा ठीक नहीं हो सकता है तो उसका कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था के या तो छोटे वाहनों के लिए उसको खुलवा दिया जाए जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। उन्नाव के मुद्दों को आपने सुना कि उन्नाव के लोग क्या चाहते हैं, साक्षी महाराज को लेकर भी आपने सुना कि तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है, लोग ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो विकास करे, ऐसा सांसद हो जो उनकी सुने और उनकी समस्याओं को सुने। उन्नाव से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।